हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। कैसे हो माय स्वीट फैमिली? उम्मीद करती हूँ गाइज अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे सिर में भी जुएं पड़ गए। सौम्या, बहुत जू हो रखी है ना, इस वजह से मुझे भी सिर में पड़ रही है, क्योंकि मुझे निकालने नहीं आती हैं जुएं। वो मुझसे पकड़ाता ही नहीं है, जब मैं कोशिश करूंगी ना बाल में तो इधर से उधर भाग जाता है, तो जुएं मुझसे पकड़ाता नहीं है। लीक होती है वो, मैं खींच देती हूँ बट जुएं नहीं पकड़ाता है। तो गाइज, आज डे है संडे और अभी मैं नहा धोकर आई हूँ, देख सकते हो नहा वाली हूँ। संडे को मतलब लेट उठती हूँ, उसके बाद काम भी तो टोटल खुद करना होता है, तो बहुत लेट हो जाता है और बहुत थकान सा फील हो रहा है, बिकने सा फील हो रहा है। तो मैं एक बार दो रोटी खा ली थी क्योंकि मुझे भूख लग जाती है, ऑफिस जाने का जो हैबिट हो गया है, आदत हो गया है ना, तो एक रोटी खाकर, पहले नहीं खाती थी, पहले 2 बजे 3 बजे ओनली मेरा ब्रेकफास्ट होता था, एक टाइम में ही होता था। बट अभी ऑफिस जो मैं बीमार पड़ी 2-3 महीने कंटिन्यू, तो उस टाइम से मैं एक दो रोटी खा कर जाती हूँ, तो इस वजह से मुझे भूख लग जाती है उस टाइम पे। और मेरी जो आदत है नहा के खाना खाने का, तो नहाने के बाद भी भूख लगी है, तो आप सोचती हूँ थोड़ी सी चावल खाऊंगी। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा गाइज। और यहाँ पे इन लोग का हरकत देख सकते हो क्या हो रहा है, इन लोग का हरकत। अभी मैं पूरा ये बेड सही की हूँ, इन लोग को देख सकते, टाइल वगैरह फैला रखा है और यहाँ पे ये अपना गाड़ी लेकर बैठा है, और ये भी ये खेल रही वाला किचन सेट से यहाँ किचन सेट फैला हुआ है और मेरा गाइस मेरा बेड है, फुल इस रूम को ड्रॉवर मैं का मतलब फुट है। सही करके रखती हूँ। मेरा आदत है मतलब थोड़ा सा क्लीनिंग पसंद है मुझे, तो आज संडे है तो ये सब सारा मैं क्लीन की हूँ। और इन लोग क्या करता है ना कि बेड पे खेलना है, तो इस वजह से मैं बोली मैट बिछाओ और नीचे खेलो, तो नीचे खेल रहा है। खाना दे दो, खाओगे? अभी नहीं, इन लोग अभी ही तो खाए थे, अभी हुआ था वो तो मॉर्निंग का था। दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं निकाल रही हूँ खाना, बच्चे तो खाना खाएंगे नहीं, हो सोची मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो मैं पहले खाना निकाल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। ओके, मैं खाना निकाल ली हूँ, देख सकते हो खाना ले ली हूँ, और खाने में क्या क्या है अभी आप लोग को दिखाती हूँ। और एक सिस्टर का क्या दी है मुझे नहीं पता, क्योंकि पिक नहीं लगा रहता है, तो आइडिया नहीं कर सकती हूँ कि मेरे से बड़ी है या छोटी। अगर मैं बाई चांस मेरे से छोटे कोई हो गया, गलती से मैं दी लिख देती हूँ तो सॉरी, क्योंकि नहीं पता चलता है मुझे। और नहीं तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या मेरे से छोटी हैं या बड़ी हैं। तो वो पूछ रही थी ये घर आपका खुद का है या रेंटेड है, तो मैं आज इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरा घर खुद का है या रेंट का है। तो गाइस देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ली हूँ चावल और दाल और चोखा और आलू बैंगन का सब्जी और मिर्च फ्राई। तो बच्चे की वजह से थोड़ा तीखा कम बनाती हूँ ना खाना, बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो मैं खुद के लिए मिर्च फ्राई कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है क्योंकि मेरे हस्बैंड तीखा खाते थे, उनको भी तीखा सब्जी चटपटा पसंद था, मीठा वो बिल्कुल नहीं खाते थे, उनको मीठा चीज़ नहीं पसंद था, वो चटपटा तीखा, उनका सब्जी जो था वो थोड़ा झाल होना चाहिए तभी खाते थे, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा तीखा स्टार्टिंग से घर से भी खाती थी मैं तीखा। तो चलिए, ब्लॉग में बने रहिए, खाना खा लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। ओके, तो गाइज यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, मैं खाना वाना खाने के बाद सो गई थी, नींद से आलस से आ रही थी, और अब इवनिंग में मैं बना रही हूँ चाय, और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है मेरा। तो आज मेरा दूध ज़्यादा है क्योंकि परसों मतलब दूध नहीं दिया था, और एक बगल वाली भाभी भी इसी दूध वाले से लेती हैं, तो वो आज नहीं है, तो दूध वाला बोला दीदी कि आप ले लोगे दूध, सो एक्स्ट्रा हो रहा है मेरा, बच जाएगा। तो मुझे ना थोड़ा सा फील होता है कि चलो मेरे वजह से किसी को 2 रुपया मेरा तो यूज ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं, मैं तो मजबूरी में 1 केजी लेती हूँ, नहीं तो हमारा 1.5 केजी दूध का खपत है, बट मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ, 1 केजी लेती हूँ। तो वो दे दिया तो मैं ले ली, चलो मेरा परसों आया भी नहीं था और उसमें मैनेज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ चाय, बना रही हूँ अभी, सो मैं को दुकान पे भेजी हूँ यहाँ पे पास वाले दुकान पे चीनी लेने के लिए, तो चीनी लाने गई है, ले आई
बहुत कम दिया। आधा किलो वही खुद हिसाब से दिया है। कौन? दीपक अंकल। जैसे कि वो चीनी मंगाई हूँ, चीनी खत्म हो गया क्योंकि मंथ का लास्ट चल रहा है, इसी मंथ हर त्योहार आया तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा ही खर्च हो गया है और लास्ट मंथ है, अब सैलरी आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी थोड़ी काम चला लूँ कुछ कुछ सामान मंगा के। तो हाफ के जी चीनी मंगाई हूँ और चलिए अभी आऊँगी मैं मेन पॉइंट पे। तो दीदी लोग का कमेंट था कि ये घर आपका खुद का है या रेंट पे हो, तो मैं आज इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरा खुद का घर है या रेंट पे हूँ मैं। तो अभी बस थोड़ी सी चाय छान लूँ, उसके बाद मैं बातें करती हूँ आप लोग से। मैं जो चाय पी रही हूँ और स्टील के ग्लास में ना, इस टाइम सर्दी में अच्छा लगता है, जल्दी ठंडे नहीं होती है तो मैं ग्लास में ही पी रही हूँ। और दी सॉरी आपको लॉन्ग पे मतलब सस्पेंस में रख के मैं बता रही हूँ, ये जो घर है ये मेरा खुद का घर है, मतलब ससुराल का घर है और ससुर जी का बनाया हुआ घर है। मतलब मेहनत तो मेरे हस्बैंड का ही लगा था, पैसे ससुर का लगा है, बट ये घर जो है ना मुझे किराए से भी ज़्यादा चुभता है, बहुत ज़्यादा चुभता है। मैं बस एक मजबूरी में रह रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा कहीं से आगे पीछे कुछ नहीं है और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। अगर मैं चाहूँ भी कि कहीं लेकर बच्चे की चले जाऊँ, जॉब करूँ, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अगर जॉब करूँगी तो मेरे बच्चे पूरे दिन अपने आप से हैंडल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे का जो जॉब है वो बहुत कम टाइम का है तो मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं कहीं नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये घर चुभता है, बहुत ज़्यादा। जब आई थी तो एक दिलासा लेकर आई थी कि चलो कहीं से भी आदमी हारता है तो अपना घर जाता है, हर किसी के साथ यही है, जब कहीं से थक जाता है तो लास्ट अपना घर ही दिखाई देता है। बट मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना घर इतना बड़ा दुश्मन बन जाएगा कि मेरा ज़िंदगी ही छीन लेगा। जब से मैं इस घर में कदम रखी थी, जिस दिन से मतलब कदम रखी थी, कुछ दिन तो माहौल अच्छा चला, उसके बाद कुछ दिन बाद किचकिच किचकिच स्टार्ट हो गया था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती भी थी कि चलो यहाँ से कम पैसे कमा लेना, मेरे अंदर तो इतना कैपेसिटी है, इतना है कि कोई 200 रुपये में भी खुश रखेगा तो मैं उतना ही खुश रहूँगी और कोई 2000 में भी खुश रखेगा तो मैं उतना ही खुश रहूँगी। तो मेरे हस्बैंड ये बात को जानते थे कि ये हर तरीके से ढल जाती है, कैसे भी ये खुश रह लेगी। बट पता नहीं हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा घटना होने वाला था, क्या था, नहीं गए, नहीं मेरा बात माने वो। तो मुझे यही फील होता है कि मैं जहाँ रेंट पे रहती थी इससे अच्छा तो मैं वहाँ रहती थी, जहाँ मैं रेंटेड थी वहाँ रहती थी, बहुत इज्जत सम्मान बहलू के साथ रही। आज तक कोई उंगली नहीं उठाया मेरे ऊपर या मेरे हस्बैंड के ऊपर, और ये अपना घर होते हुए चुभता है मुझे। तो ये मेरा ही घर है, अपना घर है, रेंटेड नहीं हूँ, अपना घर है, ससुराल का घर है ये। और जान सकते हो कि क्या क्या मेरे साथ होता है, वो सोशल साइट पे हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती हूँ। आज एक हस्बैंड के ना रहते हुए भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है, बहुत चीज़ झेलने के लिए मिलता है, फिर भी झेल रही हूँ, दो बच्चे की वजह से झेल रही हूँ। आज बच्चे नहीं होते तो शायद मैं भी किसी चीज़ के लालच में नहीं रहती या शायद मैं अपना ज़िंदगी नहीं रखती, बट दो बच्चे हैं उनके लिए सोचकर बट इतना मैं जानती हूँ जो भी भगवान किए बहुत बुरा किए, बहुत बुरा किए, मैं इस लायक नहीं थी भगवान। कोई बोलता है पिछला जन्म अगला जन्म, भगवान मैं वो नहीं देखी थी कि मैं पाप की थी कि पुण्य की थी, बस इस जन्म आप मुझे मनुष्य में जन्म दिए, मैं बहुत अच्छे से धर्म निभा रही थी भगवान, बहुत अच्छे से धर्म निभा रही थी।
खैर तो चलिए, यदि आपको पता चल गया होगा कि मेरा घर खुद का है या रेंटेड है, तो ब्लॉग में ही पे इंड कर दूंगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इंड यहीं पे करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट बना के रखिए, जैसे आप लोग 2 दिन से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से बनाए रखिए। और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में ना कोई पैसे नहीं लगते। दी दी या भैया, आंटी, अंकल जो भी आते हैं, या छोटी सिस्टर, छोटा भाई, जो भी आते हैं, मैं हर किसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। गाइस चलिए, मैं इंड कर देती हूँ ब्लॉग यहीं पे। फाइनली बाय बाय, मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके।